कल जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी दो रैलियों के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि राहुल गांधी 4 तारीख को दिल्ली से जम्मू पहुंचेंगे और फिर दोपहर में एक रैली को संबोधित करने के लिए रामबन जिले के मूल इलाके के लिए उड़ान भरेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रामबन और अनंतनाग जिलों में दो सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैली के बाद प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेता जम्मू कश्मीर में कई रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए प्रचार करती दिखेंगी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही AICC महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि गठबंधन के उम्मीदवारों और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार करें। दक्षिण कश्मीर जिले के डूरू से विधानसभा चुनाव लड़ रहे अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी डूरू स्टेडियम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल जम्मू के संगलदान इलाके में एक और रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। अहमद मीर ने कहा है कि हमें खुशी है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। ये कार्यक्रम सिर्फ पहले चरण के चुनाव के लिए है, वो अगले फेज के लिए फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। AICC महासचिव ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 40 से अधिक स्टार प्रचारकों को चुना है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेजेस में चुनाव है। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे फेज का मतदान होगा 25 सितंबर और तीसरे फेज का मतदान होना है 1 अक्टूबर को, जबकि मतगणना जो है वो 8 अक्टूबर को होगी। हालांकि पहले मतगणना की जो तारीख थी वो 4 अक्टूबर थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर को काउंटिंग की तारीखों में बदलाव जो है वो कर दिया है। 31 अक्टूबर का जो डेट है उसमें बदलाव किया है।